वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, बट ये हम स्पाइडरमैन होमकमिंग की बिल्डिंग ही बोलेंगे इसको। जबरदस्त। अब जा रहा हूँ मैं व्हाइट हाउस के फ्रंट एंट्रेंस पे। राइट ब्रदर्स का प्लेन और मून का रॉक यहाँ ही है ना वो। हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। मैं आज जा रहा हूँ डीसी, वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूँ। यहाँ से 2 आवर्स की कुछ ड्राइव पे है। आज जा भी जाऊंगा मैं, साइट सीइंग जो भी करूंगा। आज बहुत ज्यादा जगह बंद है वेदर की वजह से, वहाँ पे जरा हार्श वेदर हो गया वहाँ पे, और कोविड की वजह से भी। अच्छा, मास्क लगा के जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फैमिली भी है साथ में तो थोड़ा जरा फिल्टर करके डालूंगा, लेकिन बने रहो मेरे साथ। तो यस, हियर वी गो अगेन। यहाँ पनेरा ब्रेड ड्राइव थ्रू पे हम लोग, यहाँ ब्रेकफास्ट करना है, करने के लिए उतरे। 11:30 हो रहा टाइम। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके सीधा डायरेक्ट डीसी के लिए निकलेंगे। ऑर्डर कर दिए बैठे हुए, आते यहाँ से खा के निकलना। क्या क्या ऑर्डर करेगी, क्या करे ऑर्डर? दिस इज अवर ब्रेकफास्ट। पिज्जा है, सैंडविच है एंड सूप। खाना रात में 7 बजे से है। ओके, यहाँ पनेरा से निकल गए, ब्रेकफास्ट हो गया। आप वे टू डीसी। सो ये बे ब्रिज है। ये ब्रिज आने का एक क्या एडवांटेज है बोले तो, अपनी जो 8 आवर्स की ट्रिप है ये 2 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। नहीं, ये ब्रिज जो है, ब्रिज नहीं बनता अगर मेरीलैंड में तो वाया न्यू जर्सी जाना पड़ता था। तो ये ब्रिज बहुत ज़बरदस्त है। ये ब्रिज आने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आया है इधर सैल्सबरी में। तो अगर ये नहीं रहता तो गाँव का गाँव रहता था। सो अभी भी बे ब्रिज पे छे हम लोग, इतना बड़ा है। अब यहाँ से मेन लाइन कनेक्ट होने वाले। बच्चों को टीवी दे दो, फोन दे दो, खत्म, इसमें ही लग जाते हैं लोग। सो ये मॉस्क जो है, ये इस्तांबुल में जो मॉस्क है उसका रेप्लिका है, ब्लू मॉस्क का, राइट। तो यहाँ नमाज पढ़ने वाले हम लोग गाइस। सो मस्जिद में आप इंटर हो रहे हैं हम बेसमेंट के थ्रू। क्या जबरदस्त यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, टर्किश पूरा सेल भी लगा हुआ है। देखो वट्टी हदीत वाली बुक है, देखो अच्छी तोहरे कितने प्यारे, देखो अच्छे। All income goes to the masjid. All of these are boy rings, right? Like all. ये अच्छी दिख रही, black. Istanbul. अच्छा है पूरा, I mean हर चीज है, टोपियाँ सब। ये भी अच्छी है। अर्तुगल गाजी की सी है टोपी। हंसते यहाँ सुकून दिख रहा मस्जिद में बैठे तो। अमेरिका में आया हूँ जब से, इससे पहली मस्जिद है मेरी, वरना तो हमारे मुसल्ले में ही हो जाती है अपार्टमेंट की नमाज। अमेरिका में भी है ऐसे बड़े खूबसूरत मस्जिद। यहाँ से सीधा डायरेक्ट डीसी जाना है, 8 माइल है और जाना डीसी के लिए। बाहर से कुछ ऐसा व्यू है, देखो गाइस शानदार एकदम। इसमें भी बर्फ जमा हो गई, फाउंटेन, आइस फाउंटेन बन गया है बेचारा। तो आ गया, देखो गाइस, वेलकम टू वॉशिंगटन डीसी। अरे क्या जबरदस्त है, ये यही वो चर्च में दूर से बताया, तो जो पोप आया था यहाँ पे, यहीं पे आया था। देखो गाइस ये अरे अच्छी है, खूबसूरत है, फोटोज ले सकते हैं अभी ठहर के, अंदर जा सकते हैं चर्च में। हाँ जाएंगे, घंटे मार के आएंगे। ये कॉम्प्लेक्स जो है पूरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। कौन सा ये हॉस्पिटल है? ये वेटरन्स का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा, आई मीन ये दैट्स द मेन, पूरे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को सब होते हैं, सऊदी से, कतर से बहुत पेशेंट आते हैं। तो ये जो ग्लास बिल्डिंग है, ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है जो फंड हुआ शेख जायद की तरफ से, दुबई का जो प्रिंस है, ठीक है ना, सॉरी। अब इतना पैसा देगा तो नाम तो एटलीस्ट लिखाना ही पड़ेगा। देखो कैसी बनाया बिल्डिंग, शेख जायद कैंपस फॉर एडवांस्ड चिल्ड्रंस। ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक के वो तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जहाँ से आप रेसिडेंसी करें। मेरे को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1800। पूरे ऐसे ही है यहाँ पे।
ये पूरा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है बोलो हाँ। क्या मस्त है भाई कैंपस लाइफ। ये देखो आर्ट एंड साइंस का है अम्मा ये पूरा अंदर ही है पूरा मैसिव है भाई हार्वर्ड इज लाइक अ फुल सिटी इन इटसेल्फ। अरे क्या दिख रहा है भाई शेख जायद हॉस्पिटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यही स्ट्रीट पे है चाइना टाउन भी हार्वर्ड से हम सामने उसके फ्रंट एंड से सीधा आ रही है ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है ये रोड से पीछे अगर गए ना स्ट्रेट गए तो ये जॉर्जिया एवेन्यू कंटिन्यू हो रही है इसको जॉर्जिया एवेन्यू बोलते हैं पूरा तो ये इतनी फेमस रोड है ये स्ट्रेट ऊपर गए ना नो टर्न्स चाइना टाउन है देखो यहाँ से ये अंदर से गए तो चाइना टाउन शुरू हो जाता तो पूरा व्लॉग मेरा कार में छोड़ा गया और ज्यादा तो हमारे भाई हेल्प कर दे रहे मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन इतना यहाँ पे थे उन्हों पूरा उनको माय हार्ट हो गया कौन सी क्या जगह है ट्रंप इंटरनेशनल होटल है देखो यही होटल में जाके बैठ गया था बेचारा सीट नहीं दे रहा था बाइडेन को। गाइस वो देखो बिल्डिंग ये याद ही छूंगा स्पाइडरमैन होमकमिंग में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है बट ये हम स्पाइडरमैन होमकमिंग की बिल्डिंग ही बोलेंगे इसको जबरदस्त। थोड़ा चांस मिला कार के बाहर उतर के व्लॉग लेने का अपन को जरा जल्दी जल्दी जाना है जाके वहाँ पे थोड़े फोटोज क्लिक करना है और गाइस व्हाइट हाउस यही ठहर के लोग पूरे फोटोज लेते हैं। कॉमेडी हो गई थी अभी मेरे साथ आईफोन को मेरा क्या हो रहा कि चेंज कर देना है लेकिन हो रहा नहीं वीडियो का जो रहता जो फोटो वीडियो पे ला दे वीडियो गायब हो गया तो अच्छा है यहाँ पे थोड़ा चांस मिल गया मेरे को फिर के व्लॉग लेने का। तो हम लोग व्हाइट हाउस के पास जा रहे हैं जहाँ पे अच्छे फोटोज आते हैं और फ्रंट एरिया पे जा रहे हैं हम लोग। गाइस कितना खूबसूरत है देखो ये स्टेट ये ऑब्वियसली अमेरिका का कैपिटल है रहना ही पड़ता है इसको ब्यूटीफुल पूरे ये फेडरल ऑफिसेज है देखो कितने व्हाइट हाउस के ऑफिसेज कितने ज़बरदस्त बने हुए देखो कंस्ट्रक्शन देखो गाइस एकदम पुराना लेकिन अभी भी देखो कैसा है पूरा रेनोवेशन चलते रहता तो ऐसा सही कंडीशन में आज भी बोला था आप लोगों को मैं अब व्लॉगिंग अब ज़रा सीरियसली करने वाला हूँ मैं क्योंकि स्ट्रीमिंग तो मेरी बहुत लो हो गई है ज़माने में। चलो आगे देखो हमारी गाड़ी चलो अब जा रहा हूँ मैं व्हाइट हाउस के फ्रंट एंट्रेंस पे जल्दी से जाके वहाँ पे फोटोज़ क्लिक कर लेना और थोड़ा व्लॉग बता देना है थोड़ा देख समझ के चलना पड़ता है यहाँ पे एकदम व्लॉग में इधर उधर धक्के वक्के खा जाऊँगा। गाइस बोलो ना वो वहाँ पे वो ब्लैक ग्रिल करें जाके ठहर के ले सकते थे थोड़े प्रॉब्लम्स होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा वैंडलाइज करे इसीलिए ये पूरा बंद कर दिए ये ऑफ लिमिट्स कर दिए अपने पब्लिक के लिए। अच्छा खरीब से लेता देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। चलो अब यहाँ से निकलना हम ले लिए फोटोज़ ले लिए वीडियोज़ ले लिए अब यहाँ से निकल के कार आ रही है हमारी वहाँ से कैच करके कहीं और जाना है अब जल्दी जल्दी साइट सीइंग करके निकलना है बस। ट्रेजरी डिपार्टमेंट है देखो गाइस ये फेडरल का पूरा यहाँ पे वाशिंगटन में पूरे गवर्नमेंट के फेडरल यही बिल्डिंग्स मिलते हैं पूरे आपको बहुत वास्ट हिस्टोरिक स्टेट है ज़बरदस्त ये आने की जगह है अच्छा आके यहाँ पे घूमे तो जब एंजॉय कर सकते हैं जगह आई मीन प्रॉपर व्लॉगिंग होती अभी तो मेरी ऐसी मोबाइल व्लॉगिंग है। अभी हम लोग इस वक्त जो है ना ये जो है ना ये लिंकन मेमोरियल है और ये जो है ना वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है वो जो लंबी बिल्डिंग जो है कैपिटल हिल उधर है। गाइस यहां पे लिंकन मेमोरियल भी है लिंकन इज सिटिंग ऑन अ बिग चेयर ही इज ओवर सुपरवाइजिंग द होल कैपिटल हिल और ये मेमोरियल यानी कि जो लोगों के जान गई है उसका है ना भाई जो मुल्क के लिए जान दिए और जो कैपिटल हिल है उसको ओवरसी कर रहा होने बैठ के वैसा है वो वैसा पोर्ट्रेट है बड़ी ऐसा मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वहां पे आगे थॉमस जेफरसन मेमोरियल है देखो गाइस ये वाला ये देखो गाइस स्पाई म्यूजियम है हम लोग यहाँ जाने वाले थे आज बट ये क्लोज है ड्यू टू कोविड तो बेकार हो गया है खाली साइट सीइंग ही छोड़ी आज तो जबरदस्त हॉगवर्ट्स के साथ दिख रहा है ये तो या दिस इज द दिस थिंग ये स्मिथसोनियन कौन सी है देखो ये स्मिथसोनियन म्यूजियम कौन सी है ये पूरे म्यूजियम है देखो गाइस ये पूरे स्मिथसोनियन याद रखो स्मिथसोनियन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी गाइस अपन कैपिटल हिल के पास जा रहे हैं तो वो जब आखिरी झंडा जब यूएस का जलेवा झंडा था वादा तो ये वो झंडा यहाँ पे म्यूजियम में दैट इज द वन ऑफ द म्यूजियम्स एयरोस्पेस म्यूजियम है ये वाला यहाँ राइट ब्रदर्स का प्लेन और मून का रॉक यहाँ ही है ना वो। अरे ये आ गई देखो गाइस ये कैपिटल हिल है देखो ये कैपिटल हिल जबरदस्त
मैं तो इसको पहले गलती से व्हाइट हाउस समझा था, लेकिन ये नहीं है व्हाइट हाउस, एकदम एवरेज से। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत प्रिटी है बिल्डिंग है। वो जो डोम है उसके नीचे एग्जैक्ट जो डोम के नीचे सेंटर का वो जो है वहाँ पे जो है एक ऐसा राउंड सर्कल है, प्रेसिडेंट्स कोई भी मरे तो वहाँ पे उनका बॉडी लाके वहाँ पे होता है उनका पूरा मेन। वो डोम के अंदर भी जा सकते हैं नीचे, पूरे ऐसा पिक्चर्स पेंटिंग, बहुत बड़ा डोम है वो। तो वो डोम के अंदर जो है ना रूफ पे जो है इनके एलिमेंट्स है, जिस एलिमेंट्स के बेसिस पे यूएस की नॉलेज है उसमें से एक एलिमेंट इस्लाम भी है। ये लास्ट है अपना रिफ्लेक्शन में, यहाँ से अपन उधर वो जो दिख रही है आप लोग जो मैं बता था, देखो स्पाइडरमैन की वो टावर से लेके फिर बाद में सेकंड वाला आता वर्ल्ड वॉर टू के वेटरन्स, इसके बाद में आता इब्राहिम लिंकन का मेमोरियल। तो उधर वहाँ पे वो चेयर पे बैठा हुआ रहता इब्राहिम लिंकन, तो उन्होंने क्या है वहाँ से बैठ के देख रहा है यहाँ तक, वो ऐसा रिफ्लेक्शन बताए वो, उसका मीनिंग ये है। एंड ये आई गेस ये जॉर्ज वॉशिंगटन है शायद, वो ज़रा करीब जाके ज़रा देखेंगे उसकी मेटल प्लेट पे। बहुत अच्छा है ये स्ट्रेट, यहाँ आए तो क्या है इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर कर सकते, क्या है होमवर्क करके आना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और मेरा एकदम रनिंग व्लॉग बना कि ताज़ा बड़ा से अब थोड़ी देर में फोटोज़ लेने वाला हूँ यहाँ कैपिटल पे, कैपिटल के सामने यहाँ ठहर के कैपिटल हिल के पास। तो वही है ज़रा होमवर्क करके आना हमारे भाई को, तो जो थे इन्फॉर्मेशन जो दे रहे थे बीच बीच में से, उन्होंने यहाँ रहे, उन्होंने 3 साल यहाँ थे, तो उनको कम्प्लीट पूरा मालूम, उनको क्या है कहाँ कौन सी क्या है, स्मिथसन म्यूज़ियम सब जितने भी है सब मालूम उनको। तो वही बता रहे थे आज म्यूज़ियम हम लोग जाने वाले थे बट कोविड के ऐसे क्लोज था बल्कि हम लोग नहीं गए। तो इतना था देखो गाइस व्लॉग, और शायद पेंटागन भी जाएंगे तो वो भी कवर करूंगा मैं व्लॉग में। गाइस ये पेंटागन है देखो, ये जो दिख रहा ये जो बिल्डिंग जो है, इसको अगर ड्रोन शॉट ले तो जबरदस्त पूरा वो जो शेप रहता पेंटागन का पूरा वैसा दिखता। यहाँ पे पूरे प्लान्स पॉलिटिकल मूव्स जो भी है लोगों के इंटेलिजेंस यहाँ होती सब। हाँ 15 फ्लोर्स की है, अंदर बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत ज्यादा है। I mean some people say 40 floors, लेकिन I don't think it's 40. लेकिन लोग बोलते हैं अंदर पेंटागन काफी ज्यादा है। They travel from inside. Yeah, everything is inside. क्या है अगर कोई वॉशिंगटन आ रहे तो इनके साथ आ जाइए, पर आवर $500 पर आवर क्या है देखो। आगे तो जबरदस्त पूरा आपको वाशिंगटन की हिस्ट्री मालूम हो जाती है, पूरा A to Z बोल देते पूरा आपको, कौन कब क्या कर रहे थे कितने लड़ाया हुए थे यहाँ पे। $500 पर आवर है देखो, पूरा वाशिंगटन जबरदस्त फिरा देते। सो दिस इज योर मैन। सो गाइज DC तो तकरीबन पूरा मैक्सिमम फिर लिए, थक आ गए, मवाड़ी आ गए हम लोग। ये अरेबियन रेस्टोरेंट है मेडिटेरियन, तो यहाँ आके हम लोग लंच कर लेने वाले हैं। लंच ले लो या डिनर पूरा, यहाँ तो सिर्फ लोग यहाँ 2 टाइम ही खाते। खाना खा लेंगे यहाँ से निकलेंगे, तो वही रैप करने का टाइम आ गया गाइज। थक देख रहे होंगे मेरी सूरत कैसी हो गई, एकदम थक गया। रात में नींद 3 घंटे ही हुई मेरी, ये जाने की खुशी में सोया नहीं ज़्यादा। तो यस मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, ऐसे अच्छे व्लॉग्स डालते रहो तो मैं यहाँ से मेरे को रेगुलर हो जाना है, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ कहाँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो यस टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे सैवेज।